बुढ़िया, तुम्हारी माँ तो चली गई, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि मेरे माँ बाबा ने इतना लालच किया और तुम्हारी जैसी इतनी प्यारी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। टॉमी, तुम ना होते तो मुझे सच का पता कभी ना चलता। तुम्हारा शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बस बस, शांत हो जाओ। लेकिन अब एक समस्या है, तुम्हें ही मेरे पीछे से गुड़िया का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा ना। फिर राजू गुड़िया को तैयार करके और उसकी दूध की बोतल बनाकर ऑफिस चला जाता है, और पीछे से टॉमी गुड़िया को बोतल से दूध पिलाता और उसका ध्यान रखता। गुड़िया भी टॉमी के साथ बहुत खुश रहती थी और कुछ ही समय बाद घुटने के बल चलने लगी। टॉमी उसके साथ बॉल से खेलता। टॉमी टॉमी बॉल दे दो टॉमी टॉमी बॉल दे दो। एक दिन दोनों खेल रहे होते हैं, तभी गुड़िया स्विमिंग पूल में गिर जाती है और टॉमी उसे पानी से निकाल कर ले आता है। पर शाम को जब राजू घर वापस आता है तो देखता है कि गुड़िया के कपड़ा गीला होने की वजह से उसे बुखार हो गया है। कोमल, तुम क्यों चली गई? मैं क्या करूं अकेला, क्या करूं? एक दिन बाद राजू ऑफिस जाता है, तभी दो चोर। अरे कांचा भाई, इस घर में एक बच्चा अकेला रहता है एक कुत्ते के साथ, क्यों ना हम उस बच्चे को उठा लें? सही कहा भाई, बढ़िया पैसे मांगेंगे फिर उसके बाप से। चलो फिर, नेक काम में देरी कैसी? ऐसा बोलकर दोनों चोर दीवार टाप कर घर में घुस जाते हैं। रंगा गुड़िया को उठा लेता है। टॉमी पास में ही सो रहा होता है। जैसे ही टॉमी गुड़िया को बचाने जाता है, कांचा उस पर बोरी डालकर उसे बोरे में कैद कर देता है और गुड़िया को उठा ले जाते हैं। शाम को राजू घर वापस आता है। अरे टॉमी, तुम्हें यहाँ किसने कैद किया और गुड़िया कहाँ है? टॉमी भौंकता रहता है और राजू को कुछ समझ नहीं आता। उधर गुड़िया रोने लगती है। अरे भाई, इस बच्ची को चुप करवाओ, नहीं तो सबको पता लग जाएगा कि हम बच्चा चोर हैं। जैसे ही कांचा पलटता है, उसके सामने चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल जी, तू ले जाएगा मेरी बेटी को, लेकिन मेरे होते हुए तू मेरी बेटी को कहीं नहीं ले जा सकता। तुम और इसकी माँ? हाँ, चल दे मेरी बेटी को मुझे। ऐसा बोलकर कोमल गुड़िया को रंगा के हाथ से ले लेती है और कांचा रंगा को वही मार डालती है। मेरी बच्ची, चुप हो जा, मैं तेरी माँ हूँ कोमल। लेकिन गुड़िया अभी भी रोती रहती है। लगता है मेरे ऐसे डरावे रूप को देखकर तुम रो रही हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़कर आ जाती हूँ, तुम्हारे पापा के पास। ऐसा बोलकर कोमल गुड़िया को घर पर छोड़ देती है। टॉमी, कहाँ चली गई गुड़िया, कहाँ चली गई? उसे सब जगह मैंने ढूंढ लिया। तभी घर के अंदर से गुड़िया के रोने की आवाज आती है। राजू अंदर जाता है और गुड़िया को गोद में उठा लेता है। तुम कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी? अब से मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आज ही नौकरी छोड़ दूंगा और घर पर ही बच्चों को पढ़ाना शुरू करूंगा। हाँ। चुड़ैल ये सब देख रही होती है और खुश होकर वहाँ से गायब हो जाती है। देखते ही देखते गुड़िया बड़ी हो जाती है और एक दिन स्कूल में राकेश नाम का एक लड़का गुड़िया को परेशान करने लगता है। गुड़िया, तुम तो किसी से भी ज्यादा बात ही नहीं करती, मेरी दोस्त बन जाओ, हम घूमने चलेंगे स्कूल बंक करके। क्यों, क्या कहती हो मेरी ड्रीम गर्ल? नहीं नहीं नहीं, मेरे पापा ने कहा है किसी के साथ नहीं जाते, तुम जाओ यहाँ से, तुम वैसे भी अच्छे लड़के नहीं हो, जाओ यहाँ से। राकेश को अपनी बेइज्जती सहन नहीं होती और वो एक दिन गुड़िया को स्कूल से घर जाते समय अकेले रास्ते पर पकड़ लेता है। ओहो, मेरी प्यारी गुड़िया कहाँ चली? उस दिन बड़े नखरे दिखा रही थी ना, अभी बताता हूँ तुझे। ऐसा बोलकर राकेश गुड़िया का हाथ मोड़ने लगता है। अरे राकेश छोड़ो, मुझसे गलती हो गई, मुझे उस दिन ही अपने पापा से तुम्हारी शिकायत कर देनी चाहिए थी। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। आह माँ, माँ, माँ! तुम्हारी माँ तो कब की भगवान को प्यारी हो गई मेरी राम प्यारी, कहाँ से आएगी? बुला बुला अपनी माँ को, बुला बुला ना। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। गुड़िया जैसे ही आवाज लगाती है, चुड़ैल राकेश के दूसरे हाथ को पकड़ लेती है। अरे अरे, मेरा हाथ किसने पकड़ा? अरे अरे, कौन है, कौन है? लेकिन राकेश को वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर चुड़ैल राकेश को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेती है। अरे भूत, भूत, लगता है कोई भूत है, मुझे मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मुझे जाने दो, कौन है भाई, छोड़ दो मुझे। फिर चुड़ैल राकेश को जमीन पर पटक देती है।
आई, अरे मर गया रे। आई मम्मी, मेरी कमर टूट गई रे। भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। भूत भूत है यहाँ, भागो भागो। फिर राकेश भाग जाता है। गुड़िया को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। चुड़ैल गुड़िया को देख रही होती है। कौन है यहाँ जिसने मेरी मदद की? कौन है? बेटी, तुम मेरे इस रूप से डर जाती हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आ रही। गुड़िया को कोई दिखाई नहीं देता। पता नहीं कौन था, लगता है भगवान आए थे मेरी मदद करने। पापा कहते हैं कि जब किसी का कोई नहीं होता तो भगवान ही रक्षा करते हैं। थैंक यू भगवान जी। हे भगवान, कितनी भोली है मेरी बच्ची। फिर गुड़िया घर चली जाती है और अपने पापा को सब बताती है। गुड़िया बेटी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कल ही प्रिंसिपल से शिकायत करूंगा। सॉरी पापा, आज से मैं आपसे कोई बात नहीं छिपाऊंगी। अगर पहले ही आपको बता देती तो इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसती मैं। चलो अब सो जाओ, कल स्कूल जाना है ना। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन स्कूल में गुड़िया की डांस क्लास चल रही होती है। चलो सब बच्चे ठीक से स्टेप करेंगे। गुड़िया तुम भी ठीक से करो। सर मैं कर रही हूँ, आप मुझे दूर से बता दीजिए। अरे दूर से कैसे, बिना तुम्हें पकड़े स्टेप कैसे बता पाऊंगा। करण जानबूझकर डांस सीखने के बहाने लड़कियों से बदतमीजी करता। छुट्टी के बाद रास्ते में, गुड़िया ये डांस के सर तो बहुत बदतमीज हैं। मैं आज ही अपनी माँ से इनकी शिकायत करूंगी। हाँ सही कहा, मैं भी। हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लगा उनका ऐसा व्यवहार। चलो घर आ गया मेरा, कल मिलते हैं, बाय बाय। ऐसा बोलकर गुड़िया अपने घर आ जाती है। उसे अच्छा नहीं लगता। अपनी माँ की फोटो के आगे बैठकर रोने लगती है। माँ मेरी सारी सहेलियाँ कह रही थी कि हम अपनी मम्मी को जरूर बताएंगे, लेकिन तुम तो मेरे पास हो ही नहीं। काश तुम भी मेरे पास होती, मैं सब बातें पापा से कैसे करूं। गुड़िया को रोता देखकर कोमल वहां चुड़ैल रूप में आ जाती है। अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट करके